हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रजी जाफरी, करंटली आई एम अ डायमंड मास्टर इन एटोमी इंडिया एंटरप्राइजेस। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक बने रहना है आपको। क्यों, मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से हैं या आप किसी भी अदर कंपनी में नेटवर्किंग लीडर हैं या आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हैं और यहां पर करियर बनाने की सोच रहे हैं, ये सारे लोग, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं गारंटी दे रहा हूं किसी ना किसी इंसान की जिंदगी बदलेगा। उसका रीजन है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, आप जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और इस खूबसूरत शानदार इंडस्ट्री जिसने लाखों करोड़ों लोगों की पूरी दुनिया में जिंदगियां बदली हैं, इस खूबसूरत इंडस्ट्री को जैसा इंडिया में अभी तक माहौल होना चाहिए था वो नहीं है पिछले 20-25 सालों में। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप इस खूबसूरत इंडस्ट्री को इंडिया में बचाना चाहते हैं, इस खूबसूरत इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आपको इस खूबसूरत इंडस्ट्री से प्यार है और जो नेगेटिविटी इंडिया के अंदर इस इंडस्ट्री को लेकर है इसको आप खत्म करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं, तो आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे आप कहीं भी काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो या नया काम ढूंढ रहे हो, आप एटोमी में अपना आईडी जरूर रजिस्टर करें। अब आप बोलेंगे, यार ये आदमी तो अपने एटोमी का प्रमोशन करने के लिए आ गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, आप मेरे साथ मत ज्वाइन होना। अगर आपको लग रहा है कि मैं अपनी कंपनी का प्रमोशन कर रहा हूं, प्लीज मेरे साथ मत ज्वाइन होना। आपको जिसके साथ भी कंफर्टेबल लग रहा है, इंडिया में, इंडिया के बाहर, जहां भी जिसके साथ कंफर्टेबल लग रहा है, आप एटोमी में जरूर ज्वाइनिंग डाल के रखिए। जैसा कि कई बड़े बड़े दिग्गज लीडरों ने कर रखा है ऑलरेडी, अपनी आइडिया डाल रखे, भले ही वो कहीं और कंपनी में आज काम कर रहे हैं, उनको पता है कि क्या होने वाला है। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं ये जो बातें बता रहा हूं आपको, इमोशनल होकर नहीं बता रहा हूं, इसके पीछे मैं आपको चार ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिसका कंपेयर आप खुद कीजिएगा और ये चारों पॉइंट का कंपैरिजन करके फिर डिसाइड कीजिएगा कि मैंने जो क्यों बोला आपको कि आपको एटोमी में अपनी आईडी लगानी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि एटोमी आपको क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। अब आप सोच के देखिए दोस्तों, करंटली एटोमी 17, जब मेरा ये वीडियो आ रहा है आपके पास में, 17 कंट्री में ऑलरेडी कंपनी रन कर रही है, जहां लोग पैसा कमा रहे हैं, जहां लोग अपना करियर बना रहे हैं, 17 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग चाइना, तो 17 कंट्रीज में ऑलरेडी रन कर रही है और साथ ही साथ 45 प्लस कंट्रीज में प्री लॉन्चिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप देखेंगे अगले 10 साल तक का प्लानिंग पूरे वर्ल्ड के एक एक कंट्री में, जहां जहां भी नेटवर्क मार्केटिंग की एक्सेप्टेबिलिटी है, एटोमी होगा। मजेदार बात क्या, आपको एक सिंगल आईडी मिलेगी, इसी आईडी के एक ही स्ट्रक्चर के नीचे पूरे वर्ल्ड में आप बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों सोच के देखिए, अगर आप में थोड़ा सा कॉमन सेंस है, थोड़ी सी आपके पास में अगर सोच रखती है नेटवर्क मार्केटिंग को समझने की, आप सोच के देखिए, आप यहां बैठे बैठे, अपने गांव में बैठे बैठे, अपने शहर में बैठे बैठे, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं, चाहे वो आपके थ्रू जाए या आपकी टीम के थ्रू जाए, आपका ही बिजनेस होगा। आप सोचिए, अमेरिका में कोई बंदा शॉपिंग कर रहा है, आपको यहां बैठे इनकम आ रही है। जापान में कोई बंदा बैठकर कोई शॉपिंग करता है, आपको यहां बैठकर इनकम आती है। चाइना में कोई बंदा शॉपिंग कर रहा है, यहां बैठकर इनकम आ रही है। ये सब कुछ होने के लिए जादू नहीं है, टाइम लग सकता है, 5 to 7 years का टाइम है, बट 5 to 7 years मतलब आप सोच के देखिए, अगर ये 5 to 7 years में आने वाली 3 generation की लाइफ आप कैसे सेट कर सकते हैं, जब आप इस बिजनेस प्लान की और प्रोडक्ट की और उसकी प्रोफाइल की स्टडी करेंगे। तो ये एक इस छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों कि आज हम अपने शहर में बिजनेस एक्सपांड नहीं कर पाते हैं, आप यहां पर एक सिंगल आईडी के नीचे पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं। यानी अगर आपको ये भी एक्सक्यूज है कि यार इंडिया का मार्केट कभी थोड़ा टाइम तक कोई कंपनी चलती है सैचुरेट हो जाता है, तो उसके बाद क्या, पहली बात तो आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया का ऐसा मार्केट है जो कभी दुनिया में कहीं सैचुरेशन नहीं होता, इंडिया में कभी भी पूरी आने वाली जनरेशन तक सैचुरेशन नहीं होने वाला, इतना पॉपुलेशन है। लेकिन फिर भी अगर आप बोलते हो कि यार हो सकता है, मुझे एक चीज बताइए, पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको अपना बिजनेस एक्सपांड करने का मौका कहां कहां सैचुरेशन होगा, सोच के देखिए दोस्तों। क्योंकि आज से 4 साल बाद 5 साल बाद कोई नया कंट्री लॉन्च होगा, वहां पर लोग इंपीरियल मास्टर जाने के लिए
तैयारी कर रहे होंगे तब तक आप ऑलरेडी हो सकता है इंपीरियल मास्टर रॉयल मास्टर बन चुके होंगे और आपके नीचे कोई बंदा अब इंपीरियल की तैयारी कर रहा होगा किसी और कंट्री में। आप कल्पना करके देखिए कितना बड़ा काम होने वाला है यहां पर, राइट। तो पहला वजह है कि ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो सिंगल आईडी के अंदर आपको पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी देता है। सेकंड चीज और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से मैं भी इस बिजनेस में आया था। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जब हम काम शुरू करते हैं तो दो फेज हमारे बीच में आते हैं। पहला फेज होता है वर्किंग फेज और सेकंड फेज आता है अर्निंग फेज। यानी जब हम किसी भी कंपनी में काम शुरू करते हैं तो आप देखिएगा कि शुरू के साल डेढ़ साल और दो साल ये वो टाइमिंग है जब आपको कड़ी से कड़ी मेहनत कर, शुरू का छह महीना सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, उसके बाद का छह महीना थोड़ा उससे कम होती है, उसके डेढ़ साल में थोड़ी और कम होती है, दो साल डेढ़ से दो साल ये वो टाइम होता है जब आपको कड़ी मेहनत करके अपनी टीम बनानी पड़ती है, बड़ा एक्सपांड करना पड़ता है अपने बिजनेस को, ये वो टाइम है। और ये वो टाइम में जिसने कड़ी मेहनत कर लेता है तो दो साल के बाद में उसका बड़ी अर्निंग का फेज आता है, अर्निंग का फेज दो साल के बाद आता है एक्चुअल अर्निंग का फेज। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ज्यादातर, सभी तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन ज्यादातर इंडियन कंपनियों में क्या हो रहा है आपको पता है, जब हमारा वर्किंग फेज है, जब हम मेहनत कर रहे होते हैं, कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, हम बहुत कड़ी मेहनत करके अपना टीम डेवलप करते हैं, बड़ा अच्छा सा टीम बन जाता है, लेकिन जब अर्निंग फेज का टाइम होता है तो वो उस टाइम में या तो वो कंपनी बंद हो जाती है, या तो कंपनी प्लान चेंज कर देती है, या तो लीडरों के बीच में सेट वर्किंग हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी वजह होती है कि जब हम कमाने का टाइम आता है तब हमारे साथ वो प्रॉब्लम आ जाती है और वापस उठ के जीरो पर आते हैं, एक नई कंपनी ढूंढने लग जाते हैं। और 99% यही होता है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो एक ग्लोबल इंटरनेशनल कंपनी में काम करता है, 9 साल से ज्यादा हो गया उसको, आज वो 20 लाख रुपए महीने की इनकम पर है। मेरी उससे जब बात हो रही थी तो बोल रहा था, सर सबसे मजा तो आया कि बात तो यह है कि जब शुरू के 3 साल में बहुत स्ट्रगल किया जब मेरी इनकम ही नहीं हो रही थी और कोई छुट भैया टाइप की कंपनी में मेरे साथ के लोग काम कर रहे थे और मुझे चेक लाकर बताते थे कि देख तू इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, तेरा चेक नहीं आ रहा है और हम देख पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों मैं टिका रहा, लगा रहा और आज 9 साल बाद मैं इस लेवल पर आ गया हूं कि मैंने आने वाली जनरेशन को सेव कर दिया और वो लोग जो उस टाइम मुझे चेक बताते थे आज भी नई कंपनी ढूंढ रहे। तो मुझे जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगा ये कॉन्फिडेंस था कि आज जो मैं मेहनत कर रहा हूं, अगर आपने एक ऐसी कंपनी चुन ली जिसमें आपको ये पता है कि मैं रहूं ना रहूं, मेरी जनरेशन रहे ना रहे, ये कंपनी रहेगी, तो आप अपना जो वर्किंग फेज है, वर्किंग टाइम है, उसमें आप जी जान लगा सकते हो, आप दिल से काम कर सकते हो, कड़ी मेहनत कर सकते हो, क्योंकि आपको ये मालूम है कि ये जो मेरी मेहनत है ये जाया नहीं होने वाली है, ये वेस्ट नहीं होने वाली है। जब भी इस अर्निंग का टाइम आएगा एक बड़ी अर्निंग मैं ले पाऊंगा और मुझे पता है ये कंपनी कहीं जाने वाली है। जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आपका वर्क करने का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि एक स्टेबल लाइफ लॉन्ग 3 जनरेशन बिजनेस प्लान है। आप इस प्लान की स्टडी जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर अवेलेबल है प्लान, आप उसको देखिएगा अच्छे से, तो मैंने बहुत इजी वे में समझाया। तो मैं आपको यही बताने चाह रहा हूं कि ये वो फेज है जब आपको सही टाइम पे सही कंपनी का चुनाव करना पड़ता है और ये स्टेबिलिटी बिजनेस में, अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में आपको कभी कंपनी ना बदलना पड़े, अगर आप चाहते हो कि आने वाली 3 जनरेशन की लाइफ को मैं सिक्योर कर सकूं और प्राउड से कह सकूं 5 साल 6 साल बाद भी यस मैं अभी भी एटोमी में हूं, तो आपको ये कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है क्योंकि अभी आपको पता है कि अगले 10 साल का जो कंपनी ने प्लान पेश किया है इंडिया के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी छोटी मोटी कंपनी कल्पना भी नहीं कर सकती है जो प्लानिंग कंपनी ने अगले 10 साल के लिए सोचा है। तो ये होती लॉन्ग टर्म सोच। तो लॉन्ग टर्म सोच न सिर्फ लीडर्स की होना चाहिए बल्कि कंपनी की होना चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म सोच है, कंपनी की नहीं है तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, राइट। कोई बात नहीं, शुरुआत में देखिए मैं आपको पहले बता दूं, इस वीडियो से वो लोग दूर रहे जो 1 साल में करोड़पति बनने आए, 1-2 साल में करोड़पति बनने आए हैं, वो लोग प्लीज इस वीडियो से दूर रहे। ये जेन्युइन एथिकल और लाइफ लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, यहां पर मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन ये मेहनत आपकी कभी जाया नहीं होगी, ये प्रॉमिस है, राइट गाइस। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको लोग इग्नोर करते हैं, जो शॉर्ट टर्म पैसा कमाने वाले लोग हैं वो इस पॉइंट को इग्नोर करते हैं, वो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों आज की डेट में एटोमी के अंदर
60-70% टॉप अचीवर वर्ल्ड में वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में पहले कभी कोई नेटवर्क मार्केटिंग प्लान किया ही नहीं, बिल्कुल एक अननोन नेटवर्क मार्केटिंग से जो अननोन लोग हैं, एक आम आदमी इसमें आता है और आके टॉप लेवल पर चला जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है इसका शानदार लाजवाब एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों यहां पर एक तो प्लस पॉइंट यह है कि कंपनी ने हमारे कोई भी एजुकेशन किसी भी तरह का, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, यहां पर किसी तरह का टिकट सिस्टम नहीं होता, किसी तरह का आपको पे नहीं करना पड़ता, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वर्ल्ड के टॉप वर्ल्ड में जहां जहां भी लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, उन सक्सेसफुल लोगों को कंपनी लाकर आपको अमेरिका में कोई बंदा सक्सेसफुल हुआ वो इंडिया में आकर ट्रेनिंग कर सकता है, इंडिया में जो सक्सेसफुल होता है वो जापान जाकर ट्रेनिंग कर सकता है, लेकिन उसका एजेंडा कंपनी बनाकर देती है। यानी जो एजुकेशन इंडिया में है वही एजुकेशन जापान में होगा, वही कोरिया में होगा और वही अमेरिका में होगा। ये यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम होने की वजह से एक नहीं तो नॉर्मली होता क्या है, हम कंपनियों में देखते हैं कि हर लीडर अपने अपने हिसाब से अपना एजुकेशन बना लेता है, हर एक की टीम का अलग अलग एक सिस्टम बन जाता है, हर एक कंपनी का अपना अपना अलग अलग सिस्टम, कंपनी का अलग सिस्टम है, लीडर का अलग सिस्टम है, और इस वजह से वो यूनिटी नहीं आ पाती, वो जो एक सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत होती है वो नहीं हो पाता है, जिस वजह से टीमें टूटना शुरू होती हैं। तो यहां पर क्या होता है, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है और साथ में ऊपर से पूरा वर्ल्ड वाइड एक जैसा सिनेरियो आपको ट्रेनिंग मिलता है। इस वजह से यह कंपनी लीडर्स ओरिएंटेड कंपनी नहीं होती, लीडर्स द्वारा रन की जाने वाली कंपनी नहीं है कि यह किसी लीडर पर डिपेंड है। आप कभी भी देखिए, कल्पना करके देखिए कि कभी एटोमी ऐसा नहीं करने वाली है, किसी ने बोला मेरे पास 1000 लोगों की टीम है सर मुझे क्या मिलेगा, ऐसे लोगों को कंपनी पहले भंगा देती है। यहां पर लीडर्स कंट्रोल नहीं करते, इस वजह से कंपनी कभी बंद नहीं होती। ऐसी जिन कंपनियों को लीडर्स कंट्रोल करते हैं वो कंपनियां हमेशा बंद हो जाती हैं। और यहां पर एक आम आदमी को सेम अपॉर्चुनिटी है, किसी तरह की कोई सेट वर्किंग नहीं मिलेगी। यहां पर कंपनी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स कर रखे, आपको अगर अच्छा लगता है तो मोस्ट वेलकम, नहीं अच्छा लगता तो नमस्ते। यहां किसी के को बुलाकर चाय नाश्ता करा के कंपनी उसको भाव नहीं देने वाली है, क्लियर कट है। और यही वजह इस कंपनी को चुनने की बहुत बड़ी वजह है, एक बेहतरीन एजुकेशन वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। दोस्तों आप कल्पना करिए, इंडिया के अंदर ही हमारे यहाँ पर कंपनी खुद के तरफ से हफ्ते में 2-3 बार जूम पर प्रोडक्ट ट्रेनिंग करती है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरी एक लीडर से बात हो रही थी जो एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करता है, बोलता है हमारे यहाँ पर जूम की ट्रेनिंग का भी, एक बार की ट्रेनिंग का 800 रुपये कंपनी चार्ज करती है। यहाँ पर ऐसे कोई चार्जेस नहीं होते। आपने किसी बंदे को यहाँ बैठकर चेन्नई में ज्वाइन किया, आप जाकर वहाँ ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर कंपनी का जूम आईडी दिया, कंपनी के लोग ऑफ ऑथेंटिकल ट्रेनिंग जो मतलब ऑथराइज्ड ट्रेनिंग होती है वो ऑथराइज्ड ट्रेनिंग करेंगे और वो बंदा चेन्नई में बैठ के आपका बंदा ट्रेनिंग हो ले रहा है। किसी को आपने आगरा में स्पॉन्सर कर दिया, वो आगरा में बैठकर ट्रेनिंग ले रहा है। किसी को मुंबई में स्पॉन्सर कर दिया, आपको जाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये सिस्टम से उसको प्लग करना है। इसके अलावा कंपनी हर महीने एक सक्सेस सेमिनार करती है जो कि हमारे YouTube पर लाइव होता है। सक्सेस अभी चूंकि कोविड का दौर है इसलिए ऑनलाइन हो रही है, ये ऑफलाइन भी होते हैं सारे के सारे सेमिनार्स। और साथ ही साथ हमारा वन डे सेमिनार महीने में एक होता है और साथ ही साथ लीडर्स ट्रेनिंग जो होती है वो अलग होती है। ये सारी की सारी फिजिकल भी होती हैं, ऑनलाइन भी होती हैं। तो दोस्तों इतना लाजवाब हमारी जो एकेडमीज होती है वर्ल्ड वाइड, आप उसके वीडियोज देखकर दंग रह जाओगे। इस क्लास की ट्रेनिंग और इस क्लास के आयोजन में कितने हजारों रुपए के टिकट ले लेकर हम गए हैं पहले कई कंपनियों में, यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सो ब्यूटीफुल एक एजुकेशन सिस्टम आपके पीछे है, वो भी फ्री में। आपको केवल अपनी टीम बनानी है यहां पर बस, और उस टीम को उठाकर इस सिस्टम से प्लग करना है। कहां मिलेगा मुझे बताओ बॉस। ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और चौथा, पावरफुल पीस। हमारे किसी भी कंपनी को चॉइस करना है, अगर आपको चुनाव करना है तो कहा जाता है कि इसके 3 और 4 जो पी हैं, पहला पी प्लान, दूसरा पी प्रोडक्ट, तीसरा पी प्रोफाइल और प्रमोटर्स, इसको स्टडी करना चाहिए। दोस्तों मैं इस बात पर प्राउड फील है, ये इसमें मुझे प्राउड फील करने में कोई दिक्कत नहीं है कि मैं एक ऐसी कंपनी में ज्वाइन हुआ हूं जिसके प्रोडक्ट पूरी दुनिया में, इंडिया तो छोड़ दीजिए,
कंपैरिजन करने लायक कोई नहीं, ना प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी के हिसाब से जो इसकी प्राइसिंग है, इसका कंपैरिजन पूरे वर्ल्ड में आप करके देख लीजिए, आपको नहीं मिलने वाला है क्वालिटी, ऐसी क्वालिटी जिसको लोग आपके घर आकर दोबारा मांगे। देखिए, जब आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करते हैं तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? प्रोडक्ट्स। अगर आपके पास प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात कर रहे हो और प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है जिसकी डिमांड रिपीट अपने आप ना आए, आपको जाकर बेचना पड़े, तो फिर ऐसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का मतलब क्या है? चाहे वो सस्ता हो चाहे महंगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्वालिटी ऐसी चाहिए जो आपको रिपीट ऑर्डर ऑटो मोड में दे सके। तो इस चीज़ के लिए मैं प्राउड फील करता हूँ कि इस क्वालिटी के प्रोडक्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस रेट में देखे दोस्तों। प्लान की बात करूं तो मैं डिटेल बात नहीं कर सकता दोस्तों, लेकिन मेरे मैं लिंक दे दूंगा, आप प्लान जाइएगा, देखिएगा और आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि ऐसा प्लान, इतना ब्यूटीफुल प्लान, 2 लाख का प्लान, अनबिलीवेबल, जहां आप सिर्फ 3-4 लाख रुपए का बिजनेस 2 लाख में करने पर अनबिलीवेबल कमीशन बना जाओगे, आप सोच भी नहीं सकते हो। जिस लेवल को पाने के लिए दूसरी कंपनियों में बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, राइट। और प्रोफाइल क्या बात करूं मैं, प्रोफाइल के बारे में मैं कितना बात करूं, कंपनी की प्रोफाइल की अगर मैं बात करूंगा तो शायद पूरा 1 वीडियो 1 घंटे का उसी पर लग जाएगा, तो मैं उस पर बात करनी हूं। आप खुद स्टडी करिए, प्रोफाइल की स्टडी कीजिए, प्लान की स्टडी कीजिए, प्रोडक्ट्स की स्टडी कीजिए, और ये जो मैंने आज 4 पॉइंट आपको बताए, आप इन 4 पॉइंट को कहीं भी जाकर दुनिया में किसी भी कंपनी के साथ कंपेयर करिए। मेरा खुला चैलेंज आप लोगों को है, 1 भी पॉइंट में अगर आपको कोई कंपनी इसमें बेटर लग रही है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। अदरवाइज अच्छा लगता है ज्वाइन अस, जिस बंदे ने भी आपको ये वीडियो शेयर किया है उसके साथ ज्वाइन कीजिए, आपको जो बंदा अच्छा लगता है उसके साथ ज्वाइन कीजिए। मैं कोई यहां मेरे साथ ज्वाइन होना है इसके लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इतने इस वीडियो को बनाने का मकसद था, इस खूबसूरत इंडस्ट्री को बचाना है तो एटोमी के अंदर आपको आना ही चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियो मैं आपको लेकर आ रहा हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें आप, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे जितने भी वीडियो होते हैं वो आपको इमीडिएटली डायरेक्ट मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन उसका डायरेक्ट मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लोगों को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टे विद मी, थैंक यू, जय हिंद।